हेलो एवरीवन। सो हम एक्चुअली देख रहे थे एरर एनालिसिस है ना इन मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें एक्चुअली क्या है कि हम एरर प्रोपागेशन के बारे में पढ़ रहे थे। जो कुछ तीन चार फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, पहले तो हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, उसके बाद से क्या है कि हम दो तीन क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में, है ना। तो देखिए, हमने क्या है कि पहले तो इस फॉर्मूला को मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। हमने देखा था कि अगर हमारा क्या है कि एक एक्सप्रेशन है जेड, एक क्वांटिटी है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई या फिर एक्स माइनस वाई, तो उस केस में क्या है कि आपका एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर इन जेड इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस डेल एक्स प्लस वाई। ये हमने देखा था फॉर्मूला, ठीक है ना। लास्ट के लास्ट लेक्चर हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था, अगर जेड इक्वल्स टू क्या है एक्स इंटू वाई या फिर एक्स बाई वाई, उस केस में क्या है कि रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन एक्स प्लस रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन वाई, ये बात हमने देखी थी, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों केस में हमने देखा था। तीसरा हमने फॉर्मूला जो देखा था वो ये था, अगर हमारा कुछ एक्सप्रेशन ऐसा हो कंपोजिट जिसको फंक्शन हम बोल रहे थे x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर m डिवाइडेड बाई आपका w टू द पावर l। उदाहरण के लिए अगर मान के लिए हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, i इक्वल्स टू r इक्वल, सॉरी यहां पर ऐसा लिख देते हैं, r इक्वल्स टू p इक्वल्स टू i स्क्वायर r होता है, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p बाई r स्क्वायर i स्क्वायर। ओके, तो यहां पर देखिए ये भी अपना आप एक कंपोजिट फंक्शन है, ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है। यहां पर p का पावर कितना है, एक, और i का है कितना, माइनस टू, क्योंकि i नीचे है। ओके, तो इस दोनों ही केस में आप देखिए ये क्या कंपोजिट फंक्शन है, इस दोनों केस में, इस केस में क्या रिलेटिव लिमिटिंग एरर कितना होता है z, है ना, डेल z बाई z मीन्स रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल x बाई x। पहले तो ऐसा लिख दीजिए आपको याद करने के लिए, डेल वाई बाई वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, और यहां पर एन का पावर कितना है, एक्स का पावर कितना है, एन यहां पर रहेगा, वाई का पावर कितना है, एम यहां पर रहेगा, डब्ल्यू का पावर कितना है, माइनस एल, भले ही अगर यहां ऊपर जाकर लिखे तो, लेकिन यहां पर एल ही रहेगा, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। उदाहरण के लिए मैं अगर बोलूं कि हमारा कितना है आर इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, देखिए इस जो कंपोजिट फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिमिटिंग रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन आर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन पी, ओके, प्लस टू इंटू रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन आई, ठीक है। यहां पर एक आपका परिमिट में इसको लेते हैं और पॉजिटिव लेते हैं, ओके, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो तीन फॉर्मूला हमने देखे थे रिलेटिव लिमिटिंग एरर के। अब चलिए क्या है, हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने कर लिया था, क्वेश्चन क्या, फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज आर एक्स इक्वल्स टू कितना आपका, आर एक्स इक्वल्स टू आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन, हमारा ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, हमारा ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ ब्रिज होगा। और यहां पर क्या है, ये आर एक्स है, ओके, ये आपका क्या है, हमारा क्या होता है, हमारा कुछ ऐसा होता है आर टू, आर टू बाई आर वन क्या आ जाएगा, यहां से आर एक्स बाई आर थ्री इक्वल्स टू आर टू बाई आर वन, मीन्स इसको हमने आर टू माना, इसको हमने आर वन माना, आर एक्स है, ये कितना है आपका आर थ्री, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा ब्रिज है, ओके। तो ब्रिज जब बैलेंस होता है तो हमें पता तो चलता है, ब्रिज बैलेंस मतलब क्या, आर टू बाई आर वन इक्वल्स टू आर एक्स बाई आर थ्री, और यहां से कितना आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ ब्रिज है। और क्या है कि यहां पर हमें आर एक्स को पता करना है, फाइंड आउट करना है, आर एक्स में जो लिमिटिंग एरर उसको पता करना है, आर एक्स इक्वल्स टू आर टू इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन, ये एक्सप्रेशन में पता है ब्रिज के लिए, वेयर आर वन इक्वल्स टू ये प्रोवाइडेड है,
ठीक है, जहां पर 100 क्या है कि द नॉमिनल वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ द आर1 एंड 0.5% क्या आपका रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन आर1, आपका आर2 क्या है 100,000 प्लस 0.5%, ये क्या आपका 5% क्या रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन आर2, आर3 क्या है 842 प्लस माइनस 0.5%, ओके फिर से आपका लिमिटिंग एरर यहां पर दिया गया, ठीक है ना बेटा। अब हम पता करना, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड द लिमिटिंग एरर इन रेस्पेक्ट इन परसेंट एंड इन ओम फॉर द अननोन रेजिस्टेंस Rx। Rx जो है ना, Rx में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लिमिटिंग रिलेटिव लिमिटिंग एरर निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर करना क्या है, फॉर्मूला हमें पता है। अब क्या है, यहां पर कंपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला क्या आएगा, यहां जाएगा डेल Rx बाई Rx इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है फॉर्मूला ध्यान से रखिए, आर टू में एरर प्लस, सभी जगह पावर वन है ना, प्लस एरर इन आर थ्री थ्री प्लस एरर इन आर वन, ठीक है। ये जो हमने यहां लिख भी रखा है इसको, ये काम करना है, बस हमें करना क्या है कि ये जो वैल्यू दिए गए हैं ना आपके प्लस 0.5% प्लस माइनस 0.5% प्लस माइनस 0.5, सभी जगह क्या है 5% दिया गया आपके रिलेटिव लिमिटिंग एरर। अब उसको हम निकाल लेते हैं, तो हमारा डेल आर वन कितना है, आर वन की वैल्यू कितनी है, ये आर वन की वैल्यू है ना, तो यहां पर डेल आर वन क्या है, डेल आर वन है परसेंटेज में, डेल आर वन बाई आर वन, डेल आर वन बाई आर वन इज प्लस माइनस 0.5%, इसको पर यूनिट बदलेंगे तो 100 आपसे क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.005। डेल आर टू बाई आर टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5%, फिर से इसको क्या कितना निकालेंगे भाई 0.005। डेल आर थ्री बाई आर थ्री भी कितना आ जाएगा 0.005, ओके ठीक है, परसेंटेज में सबका वैल्यू सेम है तो पर यूनिट में भी सबका वैल्यू क्या आएगा सेम। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसको यहां पर पुट करना है, इससे क्या निकल जाएगा हमें रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन आर एक्स इन द मेजरमेंट ऑफ आर एक्स, ठीक है। तो इस काम को देखिए हमने नेक्स्ट पेज पे किया है, यहां पर हमारा कितना आया था डेल आर एक्स बाई आर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 0.005 प्लस 0.005 प्लस 0.005, ये क्या आपका डेल आर वन बाई आपका आर वन आर टू सॉरी डेल आर थ्री बाई आर थ्री डेल आर वन बाई आर वन, ठीक है ये तीनों वैल्यू रख दिए, कितना आ गया भाई 0.015 प्लस माइनस 0.015, और पर यूनिट से जब आपका परसेंटेज में बदलना होता है 100 से गुणा करना पड़ता है, कितना आ गया प्लस माइनस आपका 1.5%, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका जो एरर जो है ना आपका आरएक्स के मेजरमेंट में आएगा उस एरर की बात हमने कर ली। अब आरएक्स की वैल्यू कितनी आएगी इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, तो आरएक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये फॉर्मूला हमें यहां तो दिया गया, ऑलरेडी दिया गया जो कि वेटस्टन ब्रिज के लिए ट्रू होता है। इस फॉर्मूला में हमें कुछ नहीं करना है, आर टू आर थ्री और आर वन के नोमिनल वैल्यूज पुट करने हैं, आर वन का नोमिनल वैल्यू कितनी है 100, आर टू का नोमिनल वैल्यू कितनी है आपकी 1000 और आर थ्री का कितना है 842। Rx हम निकालेंगे तो Rx कितना आ जाएगा भाई 1000 into 842 divided by 100, this is nothing but 8420, 8420 क्या है आपका nominal value of Rx with measurement कितना 1.5% जो कि हमने अभी निकाला, ठीक है ना। तो हम इसको जो हमारा Rx है ना, Rx की हम Rx का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, Rx equals to हमने यहाँ पर लिख रखा है, Rx क्या आ जाएगा हमारा, Rx को हम ऐसा लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर देखिए इतनी इसकी नॉमिनल वैल्यू और इतना इसमें क्या होगा आपका परसेंटेज एरर, ठीक है। अब परसेंटेज एरर कितना होगा, ये परसेंटेज एरर कितना होगा निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए परसेंटेज एरर को हमने क्या है कि परिणाम बदल दिया, ठीक है यहां से, और देखिए यहां से परिणाम बदला तो हमारा डेल आर एक्स कितना हो जाएगा, डेल आर एक्स नहीं हो जाएगा 0.015 इंटू आर एक्स जो कि यहां लिख रखा है 0.015 इंटू आर एक्स, और आर एक्स वैल्यू रख दिया कितना 8420, तो कितना आ गया हमारा डेल आर एक्स कितना आ गया आपका 126.3 ओम। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जब भी एब्सोल्यूट एरर की बात होगी तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो रिलेटिव एरर नहीं है उसमें, रिलेटिव एरर मतलब कि रिलेटिव एरर का मतलब क्या है कि ये जो एब्सोल्यूट एरर है ना डेल आर एक्स, इसी को जब हम आर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रिलेटिव एरर है ना इन पर यूनिट, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रिलेटिव एरर इन परसेंटेज, तो ये रिलेटिव एरर ना इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि आर एक्स को आर एक्स से डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो इसका यूनिट होता है। तो हमारा कितना आ गया यहां पर, हमारा आ गया कितना भाई, जो हमारा नॉमिनल वैल्यू है किसकी आपका आर एक्स का कितना 8420, उसका 5% उसका 1.5% उसका 1.5% मतलब उसका कितना 126.3 ओम का वहां पर क्या आएगा आपका एरर आ सकता है, ठीक है ना। तो हम आर एक्स को कितने दो तरीके से लिखा हमने, आर एक्स इक्वल्स टू 8420 प्लस माइनस 126.3 ओम, ये तरीका हो गया जहां पर हमने क्या है कि यहां पर नॉमिनल वैल्यू आपकी
एब्सोल्यूट एरर की चर्चा कर दी, और यहाँ पर क्या है कि हमने परसेंटेज की चर्चा कर दी। यहाँ पर आरएक्स कितना आ गया, 8420 प्लस माइनस 1.5%। ओके ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आरएक्स है ना आपका इस रेंज में वेरी करेगा, इस रेंज में हमारा वेरी करेगा। कैसे निकाला हमने, हमने आरएक्स का जो वैल्यू था ना उसमें कितना जोड़ दिया, 126.3 घटा दिया। तो यहां से यहां तक आपका क्या है कि आरएक्स वैल्यू कर सकता है, जहां पर इसका नॉमिनल वैल्यू कितनी है 8420 ठीक है विथ प्लस माइनस कितना 126.3। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। हमारे पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू रेजिस्टेंसेस अलोंग विद देयर टॉलरेंस, टॉलरेंस मींस आपका लिमिटिंग एरर, टॉलरेंस मींस लिमिटिंग एरर, टॉलरेंस आपका आर वन का वैल्यू कितनी है 10 ओम प्लस माइनस 5%, 5% का यहां पर लिमिटिंग एरर है, यहां पर कितना है 3% का लिमिटिंग एरर है ठीक है ना, और 15 ओम क्या है इसका नॉमिनल वैल्यू है, 10 ओम क्या है आर वन का नॉमिनल वैल्यू है। फाइंड द रिजल्टेंट वोल्टेज, फाइंड द रिजल्टेंट अलोंग विथ टॉलरेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन, फाइंड द रिजल्टेंट अलोंग विथ टॉलरेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके तो सीरीज वाला तो हमने पहले कर लिया था है ना, आप पीछे के लेक्चर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। हम यहाँ पर क्या है पैरेलल वाला काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या है मालूम है भाई, जो आपका पैरेलल जो हम करेंगे आर वन और आर टू को, तो जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा ना वो इससे रिलेटेड कैसे कैसे होगा इसके बारे में चर्चा करना है, जो कि हमें पहले से पता है कि दो रेजिस्टेंस हमारे जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो कितना आ जाता है 1/R1 है ना। अगर ये आर वन क्या है इक्विवेलेंट है, तो आर क्या इक्विवेलेंट है, तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके ठीक है ना, तो हमारा और इसी को हमने अलग फॉर्म में यहां लिख दिया ठीक है, ये लिख दिया था हमारा। यहाँ पर जो नॉमिनल वैल्यू आर की आएगी, इक्विवेलेंट की नॉमिनल वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी 6 ओम आएगी कि नहीं भाई। आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, आर वन कितना है 10, आर टू कितनी है 15, 25, कितना आ जाएगा 6 ओम। आर का आपका नॉमिनल वैल्यू कितना आ गया 6 ओम। अब क्या है कि जो आर जिसको जो हमारा जो पैरेलल में हम जिसको कनेक्ट कर जो हमारा इक्विवेलेंट है पैरेलल कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट है उसमें लिमिटिंग एरर कितनी आएगी हमें भी पता करना है ठीक है ना। लिमिटिंग एरर हमें किसमें पता है आर वन में, लिमिटिंग एरर किसमें पता है आर टू में। अब R इक्विवेलेंट में लिमिटिंग एरर कितनी आएगी है ना उसको हमें लिखना है। तो देखिए यहां पर क्या है कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास है ना, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है। थोड़ी सी इस क्वेश्चन को आप है ना ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि ये हमने जितने भी केसेस आपके देखे थे कि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, फिर एक्स इंटू वाई या फिर एक्स बाई वाई, फिर एक्स टू द पावर एल, वाई टू द पावर एन, डब्ल्यू टू द पावर आपका एन, जो कुछ भी हमने देखा था उसमें से किसी भी फॉर्म पे ये नहीं आ रहा है ठीक है ना, ये अपने आप में डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए है ना एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको कर लेना चाहिए अपने स्ट्रेंथ के लिए, करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं पूरे ही इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू आर वन हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 1/R² इंटू डी आर बाई डी आर वन, और इसका कितना आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आर वन, माइनस 1/R1², और इसका कितना आएगा माइनस 1/R2² डी आर टू बाई आर वन, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन है ना वो आर वन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ठीक है ना, आर वन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी है ना आप देख लेना डिफरेंशिएशन कैसे इसका होगा। तो देखिए यहां पर है ना, और हमने क्या किया पूरे इक्वेशन को डी आर वन से मल्टीप्लाई कर दिया, डी आर वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी आर वन से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कैंसिल यहां से हो जाएगा, आ जाएगा ना डी आर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आर वन बाई डी आर वन कैंसिल, और माइनस भी सब जगह से कैंसिल कर दिया, तो कितना आएगा डी आर बाई आर आर स्क्वायर डी आर वन बाई आर वन स्क्वायर डी आर टू बाई आर टू स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा आई होप ठीक है। अब इसके बाद से देखिए हमने क्या कर दिया बेटा, हमने क्या है कि आपका यहां पर हमने आर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं आर को इधर भेज दीजिए, जब आर को इधर भेजेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा डी आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी आर वन बाई आर वन स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर टू बाई आर टू स्क्वायर। तो हमने किया कुछ नहीं, हमने क्या किया कि आर बाई आर वन का स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर और डी आर वन लिखा है, आर बाई आर टू का स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर और आर टू लिखा है जो यहाँ पर लिखा है ना डी आर। तो हमारा कितना क्या डी आर इक्वल्स टू आर बाई आर वन स्क्वायर डी आर वन प्लस आर बाई आर टू स्क्वायर डी आर टू, इसी बात को यहाँ पर लिखा है आपका इंक्रीमेंटल के फॉर्म में ठीक है ना, जो आपका एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में। तो देखिए हमारा कितना क्या डेल आर, डेल आर क्या आपका एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर इन द मेजरमेंट ऑफ
आपका इक्विवेलेंट ऑफ द आर वन एंड आर टू, ठीक है ना, आर वन आर टू के आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो डेल आर इक्वल्स टू कितना आ गया, आर बाई आर वन का स्क्वायर इंटू डेल आर वन प्लस आर बाई आर टू का स्क्वायर इंटू डेल आर टू। अब देखिए इस हमने क्या मालूम है, इस केस के लिए एक नया फॉर्मूला ड्राइव किया कि यहां पर लिमिटिंग एरर जो है ना डेल आर वन और डेल आर टू, जो कि क्या आर वन और आर टू में लिमिटिंग एरर है, वो कैसे प्रोपागेट होकर के आपके क्या है कि आर में जाएंगे, इस बात को हमने देखा, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले पर हमें कंसंट्रेट करके हमें करना क्या है, डेल आर वन पता होना चाहिए, डेल आर टू पता होना चाहिए। अब डेल आर वन कैसे निकालेंगे बेटा, डेल आर वन कैसे निकालेंगे, तो हम मालूम है कहां चलते हैं, हम चलते हैं यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, हम क्वेश्चन पर आते हैं, एक मिनट, हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए आर वन कितना आपका 10 ओम, आर वन कितना है, आर वन है हमारा है ना 10 ओम प्लस माइनस 5%, आर टू कितना है 15 ओम प्लस माइनस 3%। अब इसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है, आर वन कितना हमारा, आर वन है 10 ओम प्लस माइनस 5%, आर टू है आपका 15 ओम प्लस माइनस 3%। तो ये तो आपका लिमिटिंग रिलेटिव दिया गया है ना, तो डेल आर वन बाई आर वन कितना आ जाएगा भाई, ये है प्लस माइनस 5%, इसी को क्या लिखते हैं हम, प्लस माइनस 0.05 पर यूनिट में, ये परसेंटेज में, ठीक है। तो डेल आर वन कितना आ जाएगा, आ जाएगा प्लस माइनस 0.05 इंटू आर वन, कितना आ गया प्लस माइनस 0.05 इंटू आर वन, आर वन कितना हमारा 10, कितना आ गया प्लस माइनस 0.5 ओम, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि लिमिटिंग जो एब्सोल्यूट एरर होगा, लिमिटिंग एरर वो क्या होगा आपका, उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, कितना आ गया प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है। वैसे भी दिख रहा है आपका 10 का 5% कितना होगा भाई, 10 का 10% कितना होगा 1, 5% कितना होगा 0.5, ऐसे ही 15 का 3% हमें निकालना है। तो हमें क्या दिया गया है, डेल आर टू बाई आर टू, ये कितना आपका प्लस माइनस 3%, और ये कितना आपका 0.03। तो डेल आर टू कितना आ जाएगा 0.03 इंटू आर टू, जो कि कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 0. अब देखिए कितना आ जाएगा भाई 4.5 आएगा कि नहीं, 15 से गुणा करना पड़ेगा हमें, इतना आ जाएगा, ठीक है, फिर ये ओम में आएगा। तो हमें ये दोनों पता चल गया, ठीक है। हमारा एक्सप्रेशन कितना आया था, डेल आर इक्वल्स टू आर बाई आर वन का स्क्वायर डेल आर वन प्लस आर बाई आर टू का स्क्वायर डेल आर टू, ठीक है। अब आर कितना है हमारा 6, आर वन कितना है हमारा 10, आर वन 10 है, स्क्वायर कर दिया हमने, और ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कितना भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमें, कितना 0.05, तो लिख दिया हमने 0.5 आया, प्लस ये कितना आपका 6, आर टू कितना है 15 का स्क्वायर इंटू डेल आर टू कितना आया भाई, डेल आर आर टू आया 0.45। अब देखिए इसी बात को हमने सॉल्व किया, मैंने अलग से एक शीट पे इसलिए कैलकुलेट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहां पर हमने सॉल्व किया, हमने क्या इसी बात को यहां पर किया, ये यहां पर निकाला डेल आर वन डेल आर टू, हमने यहां पर निकाला, वैल्यूज पुट कर दिए, देखिए एग्जैक्टली जो हमने वहां लिखा था ना, उन्होंने वैल्यूज पुट कर दिए, और हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया डेल आर कितना आ गया इतना ओम, है ना, डेल आर आ गया हमारा, मीन्स एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर इन आर कितना आ गया प्लस माइनस 0.252 ओम। ओके, तो हमारा आप क्या, अगर हमें निकालना है क्या रिलेटिव, तो डेल आर बाई आर करना पड़ेगा कि नहीं, जहां पर आर का वैल्यू कितना है 6, तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो इतना पर यूनिट आ गया, इसी को परसेंट में बदला तो कितना आ गया प्लस माइनस 4.2%, सौ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 4.2%। तो हमारा जो है ना आर लिखने का दो तरीका, एक तो आर प्लस माइनस परसेंटेज में लिख दिया हमने, या फिर आर प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर यहां पर लिख दिया, देखिए जो कि यहां पर इतना आया था, ठीक है ना। तो दो तरीका हो गया, आई होप इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अपना अपना थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, अब सभी क्वेश्चन का की हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ की चर्चा कर सकते हैं, है ना, और करना भी चाहिए, तभी तो हम क्या है कि एक अपने आप को क्या स्टेबल फील करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हमारा इस लेक्चर हम देखना चाहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए इसकी बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव एरर इन पावर करंट एंड वोल्टेज, पावर में रिलेटिव एरर, इसका मतलब रिलेटिव लिखा है ना बेटा, परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब क्या आपका डेल पी बाई पी है, ये है ना रिलेटिव है, है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये कितना आपका प्लस माइनस 0.5%, इसी को क्या है कि अगर किसमें लिखें अपना पर यूनिट में, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 0.005,
है ना, इतना आएगा आपका पर यूनिट में, ठीक है ना। ठीक है, यहां पर कितना, 1% किसमें, ये पावर करंट में, डेल आई बाई आई ये कितना आपका प्लस माइनस 1%, फिर प्लस माइनस 0.01, ओके। अच्छा, और तीसरा क्या आपका, एंड वोल्टेज, वोल्टेज में कितना हमारा 1%, तो डेल वी बाई वी भी कितना आ जाएगा, डेल वी बाई वी आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1% या फिर प्लस माइनस 0.01, ठीक है। हमने यहां पर इन सब बातों की चर्चा यहां पर की है, देखिए 0.05, 0.10 सब कर दिया है ना, तीनों को वैल्यू हमने निकाल दिया। हमारे पास क्या, आप निकालना क्या है, कैलकुलेट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के मेजरमेंट में एरर निकालना है। अब देखिए पावर फैक्टर के मेजरमेंट में एरर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसको निकालने के लिए क्या देखिए, हमें फॉर्मूला पता है, P इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, P बाई वी इंटू आई, है ना। तो इसको मान लीजिए कॉस थीटा को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा, पी बाई वी इंटू आई। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन आ गया कि नहीं, जहां पर इसका पावर कितना है, एक सबका पावर एक है, तो यहां पर रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन एक्स मींस पावर फैक्टर, एक्स मींस पावर फैक्टर, रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन पाई पी प्लस रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन वी प्लस, ये नीचे है तो क्या है, लेकिन प्लस ही लगता है यहां पर, है ना, हमने देखा था इसको, फॉर्मूला आपको बताया था, और इनटू डेल आई बाय आई, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्लस माइनस इसका कितना आया था भाई, 0.005 प्लस इसका कितना आया था, 0.01 प्लस इसका कितना आया था, 0.01 कितना आ गया, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस 0.025, ओके, पर यूनिट। और परसेंटेज में लिखूंगा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2.5%, एंड 2.5% का क्या आ गया आपका एरर, ठीक है ना, इन द मेजरमेंट ऑफ आपका पावर फैक्टर। अब देखिए चूंकि क्या है, करंट पावर वोल्टेज करंट की बात दी ही नहीं गई, इसलिए हम पावर फैक्टर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन चूंकि क्या है कि आपका वी आई और पी में क्या है, लिमिटिंग एरर दिया गया है, तो के मेजरमेंट में वी आई और पी के मेजरमेंट में लिमिटिंग एरर दिया गया है, तो हम कॉस फाई के मेजरमेंट में लिमिटिंग एरर क्या आएगा ना, ये हम निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहां पर निकाल दिया, ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि हमारा एरर एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ी सी क्या है कि ऑनलाइन जो हमारी डिस्कशन चल रही है, ऑनलाइन डिस्कशन में टीचर को क्या है, सभी का चेहरा समझ दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा क्या उसको डाउट होती है कि तक किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि बात को बार बार यहाँ पर चर्चा में आ जाती है, लेकिन वो जरूरी भी है ताकि सबको समझ में आ जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या इसी बात यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर क्या है कि आपका हम यहाँ पर एब्सोल्यूट जो है ना लिमिटिंग एरर नहीं निकाल सकते, क्योंकि लिमिटिंग एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर जो है ना आपका, हम मैं लिख दूं, अगर डेल एक्स बाई एक्स ये क्या आपका रिलेटिव, ये कितना आ गया हमारा प्लस माइनस 0.025, ओके, पर यूनिट में आया कि नहीं ये, ठीक है। तो हमें अगर एब्सोल्यूट निकालना हो तो भाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.025x, एक्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, जो कि पावर फैक्टर है, तो हमें तो क्या है वी आई और पी दिए नहीं गए, तो पावर फैक्टर हम कैसे निकाल पाएंगे, हम इसको निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकाल पाएंगे, रिलेटिव लिमिटिंग एरर, है ना, भले वो क्या परसेंट में निकालें या फिर परसेंटेज में निकालेंगे, लेकिन क्या निकाल पाएंगे हम, रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ठीक है बेटा। तो ओके, इस तरह से क्या है कि हमारा जो एरर एनालिसिस में हमारे 8-10 वीडियो हुए, छोटे छोटे वीडियो हैं, और पैसेंटेज देखने से मुझे तो पूरा विश्वास है कि पूरी एरर एनालिसिस जो है ना आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और जो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको डेवलप होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करते हैं कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, है ना, मेरा मानना है कि पीएमएमसी और थ्री फेज पावर मेजरमेंट बाय टू वाट मीटर मेथड, अगर ऑब्जेक्टिव की चर्चा की जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेई लेवल की, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर से उसकी शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर हम क्या करेंगे, चूंकि हमने इतना डिस्कशन किया एरर एनालिसिस पे और क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे और ऑपरेटिंग फोर्सेस वगैरह के बारे में, तो इससे रिलेटेड जो एसएससी जेईई के क्वेश्चन पूछे गए ना उसकी हम चर्चा इस लेक्चर के बाद करेंगे। इसके बाद से क्या है कि हम शुरुआत करेंगे अपना पीएमएमसी, ओके। फिर अब देखिए कब तक चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, ओके। तो ठीक है बेटा, ओके, दैट्स ऑल फॉर।